Hey everyone, my name is Aditya and welcome back for another video. Well, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि मैं काफी ज्यादा टाइम से अपने हेयर को ग्रो कर रहा हूँ एंड अभी जो मेरी हेयर की लेंथ है वो मतलब मेरी एंटायर लाइफ में इससे ज्यादा कभी मेरी हेयर लेंथ नहीं हुई है। वैसे मैंने पास्ट में अपने हेयर को ग्रो किया था बट वो जो ग्रो किया था मैंने अपने केवल फ्रिंज एरिया को किया था बट नाउ अभी जब मैंने ग्रो किया अपने हेयर को तो आगे पीछे साइड से सारी तरफ से ग्रो किया है। तो अब जब हेयर हम ग्रो करते हैं तो बहुत सारी नई चीजें भी हमें सीखने को मिलती है एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है वो भी हमें फेस करने को मिलती है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो पर्सनली मैं फेस कर रहा हूँ लॉन्ग हेयर की वजह से। एंड अगर आपने पास्ट में कभी लॉन्ग हेयर रखे होंगे तो आपने भी फेस की होगी या फिर अगर अभी आपके लॉन्ग हेयर है आप भी फेस कर रहे होंगे या फिर फ्यूचर में अगर आपको लॉन्ग हेयर करने हैं तो आप फेस कर सकते हैं। एंड साथ के साथ मैं आप लोगों को सॉल्यूशंस भी बताऊंगा कि मैं पर्सनली कैसे इन प्रॉब्लम से डील करता हूँ बिकॉज ये प्रॉब्लम्स आनी है एंड हमें कुछ वे फिगर आउट करना पड़ता है। तो ये चीज़ मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ, प्रॉब्लम्स भी और उनके सॉल्यूशन भी। तो अगर आपको इंटरेस्टिंग लगता है तो मेक श्योर टू लॉक योर आई बॉल्स इनटू दिस वीडियो। सो गाइस, फर्स्ट जो प्रॉब्लम जो मुझे डील करनी पड़ती है वो ये है कि लॉन्ग हेयर इज हार्ड टू मैनेज। वैसे तो लॉन्ग हेयर पूरे दिन ही मैनेज करना काफी मुश्किल होता है, आपको बहुत सारे एफर्ट्स दिखाने पड़ते हैं बट स्पेशली मॉर्निंग के टाइम पे जब आप सुबह उठते हैं तो उन्हें मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एंड वो एक हेडेक बन जाता है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे उस चीज़ को नोटिस करेंगे आपके हेयर मैनेज नहीं हो पा रहे मॉर्निंग में तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन भी होने वाली है। तो अब मैं पर्सनली इससे कैसे डील करता हूँ, इसका क्या सॉल्यूशन है? तो मैं पर्सनली एक हेयर बैंड यूज़ कर लेता हूँ, हेयर बैंड की वजह से वो सारे पीछे की डायरेक्शन में पुश हो जाते हैं, या फिर मैं एक हेयर कैप यूज़ कर लेता हूँ जिसकी वजह से मेरे जो हेयर है वो कवर हो जाते हैं हेयर कैप की वजह से एंड ओवरऑल मुझे अपने हेयर को फिर टेंशन नहीं होती कि मुझे उन्हें मैनेज करना पड़ेगा, ज़्यादा स्टाइल करने की दिक्कत नहीं है। हेयर बैंड लगाओ या कैप लगाओ आपके हेयर ढक जाएंगे एंड यू आर गुड टू गो। सेकंड जो मेजर प्रॉब्लम जो मुझे फेस करनी पड़ रही है वो ये है कि लॉन्ग हेयर इज हार्डर टू स्टाइल। लॉन्ग हेयर को काफ़ी मुश्किल है स्टाइल करना, अगर आप करते भी है स्टाइल तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है एंड मुझे पर्सनली वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट करता है बिकॉज मैं अब इतना मोटिवेटेड नहीं हूँ कि मैं रोज़ एवरी डे अपने हेयर को स्टाइल करूँ। और स्टाइल करने के लिए भी मुझे ब्लो ड्रायर की हेल्प से 7-8 मिनट्स तक लग जाता है मुझे अगर मैं प्रॉपरली स्टाइल करता हूँ तो, एंड इतना टाइम नहीं है मुझे अपने हेयर को स्टाइल करने के लिए तो मैं पर्सनली ब्लो ड्रायर को डिच कर देता हूँ। मैं उतना फ्रिक्वेंटली अपने हेयर को स्टाइल नहीं करता हूँ जितना मैं अपने शॉर्ट हेयर को करता था। अगेन मैनेज करने के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया है मैं हेयर बैंड या कैप यूज़ कर लेता हूँ जिस दिन मुझे नहीं लगता कि स्टाइल करने की कोई ज़रूरत है अपने हेयर। तो गाइस, थर्ड जो प्रॉब्लम है जो मैं फेस करता हूँ वो है टग एंड पुल की प्रॉब्लम एंड ये वाली सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड लगती है। जब मैं अपने हैंड्स को अपने हेयर के अंदर रन करता हूँ मुझे टग एंड पुल एक्सपीरियंस होता है, स्पेशली 3 टाइम पे होता है मुझे। मॉर्निंग के टाइम पे होता है जब मैं सो के उठता हूँ, जब मैं अपने हेयर को पोजिशन पर ड्राई कर रहा होता हूँ एक ड्रायर से तब होता है एंड स्पेशली जब मैं एक फिनिशिंग प्रोडक्ट अप्लाई कर रहा हूँ तब भी होता है। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है, मैं क्या करता हूँ इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए? तो मैं एक सीरम या फिर एक लीव इन कंडीशनर यूज़ करता हूँ अपने स्टाइलिंग प्रोसेस के टाइम पे, जिससे होता यह है कि जब मैं सीरम या फिर लीव इन कंडीशनर यूज़ करता हूँ तो मेरे हेयर को वो स्मूथ एंड सॉफ्ट बना देता है एंड वो टग एंड पुल को कम कर देता है जितना अगर मैं रेगुलर बेसिस पर अगर उन्हें यूज़ नहीं करूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा टग एंड पुल होगा, बट अगर मैं सीरम या फिर लेवन कंडीशनर यूज़ करता हूँ तो मुझे काफ़ी कम टग एंड पुल एक्सपीरियंस होता है। तो गाइस, फोर्थ जो प्रॉब्लम है वो ये है कि हेयर स्टाइल आपकी लॉन्गर लास्टिंग नहीं करती है। आप कुछ भी यूज़ कर लीजिए प्रोडक्ट, अगर आप वॉल्यूमिनस हेयर स्टाइल अचीव करना चाहते हैं तो वॉल्यूम भी आपको इतना नहीं मिलने वाला है बिकॉज आपकी हेयर लेंथ काफ़ी लंबी है। तो इसका क्या सोल्यूशन है, मैं पर्सनली क्या करता हूँ? तो मैं पर्सनली ऐसी हेयर स्टाइल्स के लिए जाता हूँ जो नेचुरल लुकिंग हेयर स्टाइल हो, मुझे ज़्यादा एफर्ट वाली हेयर स्टाइल पसंद है बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर मैं अच्छे से अपने हेयर को स्टाइल करता भी हूँ तो भी वो 2-3 घंटे के अंदर मेरी हेयर स्टाइल ख़राब हो जाती है। तो मैं नेचुरल हेयर स्टाइल के लिए जाता हूँ जो नेचुरल लगती है एंड लॉन्ग लास्ट करती है थ्रू आउट द डे। वैसे फिफ्थ एंड फाइनल प्रॉब्लम जो मैं फेस करता हूँ वो है चांसेस ऑफ हेयर फॉल, डैंड्रफ, हेयर डैमेज, ये सारी चीज़ें। बिकॉज जब आपके हेयर लॉन्ग होते हैं तो ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपके हेयर डैमेज हो, में ज़्यादा डैंड्रफ आए, आपके हेयर ड्राई एंड रफ हो जाए। इसको काउंटरैक्ट करने के लिए, इस प्रॉब्लम से डील करने के लिए मैं को एक स्ट्रिक्ट हेयर केयर रूटीन फॉलो करना पड़ता है जिसकी हेल्प से मैं अपने हेयर के अंदर नरिशमेंट प्रोवाइड करूँ, थोड़ी बहुत हेल्थ प्रोवाइड करता हूँ अपने लॉन्ग हेयर को, जितना हो सके उतना न्यूट्रिशियस मतलब उतना हेल्दी बनाने की कोशिश करता हूँ। हेयर केयर रूटीन इज अ मस्ट अगर आप अपने हेयर को ग्रो करने की सोच रहे हैं। बाय द वे, हेयर केयर रूटीन से याद आया, अगर आपको जानना है मेरा हेयर केयर रूटीन,
हेल्दी हेयर के लिए जो मैं लॉन्ग हेयर के लिए फॉलो करता हूँ। ट्रस्ट में जिसने मेरे हेयर फॉल को काफ़ी कम किया है, डैंड्रफ को काफ़ी कम किया है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मे बी नेक्स्ट वीडियो में उसके ऊपर लेके आऊँ। सो गाइज, ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो मैं पर्सनली लॉन्ग हेयर के साथ में फेस करता हूँ। आप मुझे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि अगर आप लॉन्ग हेयर कर रहे हैं कि नहीं, एंड अगर आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है डे टू डे बेसिस पे, एंड आप क्या क्या सॉल्यूशन यूज़ करते हैं, आप सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बता सकते हैं। आपको वीडियो कैसे लगी आप ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको अच्छी भी लगी हो तो आप लाइक कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं मेंस हेयर ग्रूमिंग लाइफस्टाइल से रिलेटेड कंटेंट बनाता हूँ, बट मोस्टली मेंस हेयर के ऊपर बनाता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसा कंटेंट पसंद है तो। आपको डिस्क्रिप्शन में जो प्रोडक्ट मैंने यूज़ करता हूँ, रिकमेंड करता हूँ, सबके लिंक मिल जाएंगे, साथ के साथ मेरा इंस्टाग्राम का मिल जाएगा। अगर आप मुझे सोशली कनेक्टेड होना चाहते हैं आप, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे जाने का टाइम हो चुका है, तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टाइलिंग एंड प्रो।